तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं, आपसे कुछ ही घंटों बाद हमें देखने को मिलेगा WWE का पेपर व्यू यानी कि गाइस फास्ट लेन, जो कि रेसलमेनिया से पहले आखिरी स्टॉप होने वाला है। तो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे फास्ट लेन में होने वाले सभी मैचेस और उनके रिजल्ट प्रेडिक्शन के बारे में। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो गाइस सबसे पहले मैच की बात करते हैं जो कि हमें देखने को मिलेगा वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पर गाइस साशा बैंक्स और बियांका बेलेयर एक बार फिर से फेस करेंगी नाया जैक्सन शीना बेज़लर को। अब गाइज आप सब जानते हैं इस मैच में क्या होने वाला है और मेरा इस मैच में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन गाइज अगर हम सीधा रिजल्ट प्रेडिक्शन की तरफ आएँ तो यहाँ पर गाइज मेरी प्रेडिक्शन रहने वाली है नाया जैक्सन शीना बेज़लर के लिए कि वो इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगी। अगले मैच की बात करते हैं जो कि गाइज हमें देखने को मिलेगा शेन मैकमैन वर्सेज ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच। अब गाइज पहले ऐसा लग रहा है कि WWE इस मैच को नहीं करवाने वाली, क्योंकि WWE इस मैच को एडवर्टाइज नहीं करी थी, लेकिन रिसेंटली WWE ने इस मैच को ऑफिशियल करा है। और गाइज मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में WWE कोई उल्टी सीधी चीज़ करने वाली है और मुझे लगता है इनकी राइवलरी कंटिन्यू होगी और रेसलमेनिया में एक बार फिर से हमें इनके बीच एक स्टिपुलेशन मैच देखने को मिलेगा। और गाइज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन जो उनकी लास्ट वीक मंडे नाइट रॉ पर हालत हुई थी उसका बदला लेते हुए नजर आएँ। लेकिन गाइज अगर हम बात करें यहाँ पर रिजल्ट प्रेडिक्शन की, तो गाइज यहाँ पर मेरी ऑब्वियसली प्रेडिक्शन रहने वाली है ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए। उसके अलावा गाइज अगले मैच की बात करें जो कि गाइज आपको देखने को मिलेगा सेथ रॉलिंस और शिंसुके नाकामुरा के बीच एक सिंगल्स मैच, जहाँ गाइज आप सब जानते हैं कि रिसेंटली स्मैकडाउन के एपिसोड में WWE ने इस मैच को ऑफिशियल कराया। और आप सब ये भी जानते हैं कि कैसे हमें सिज़ारो और सेथ रॉलिंस की फ्यूड देखने को मिल रही है, और लेकिन फिलहाल सिज़ारो सेथ रॉलिंस का अटैक को सेल कर रहे हैं। और इस बीच हमें देखने को मिल रहा है कि शिंसुके नाकामुरा सिज़ारो की तरफ से रेसल करने वाले हैं अगेंस्ट सेथ रॉलिंस। और मुझे गाइज कहीं ना कहीं लगता है कि इस मैच में आपको देखने को मिलेगा कि सेथ रॉलिंस जीत हासिल करेंगे, क्योंकि गाइज उनका मैच होने वाला अगेंस्ट सिज़ारो एट रेसलमेनिया, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कंफर्म मानकर चलिए। तो ऐसे में यहाँ पर सेथ रॉलिंस को अपर हैंड देना जरूरी है, इसलिए गाइज मुझे यहाँ पर लगता है कि इस मैच में सेथ रॉलिंस जीत हासिल कर सकते हैं। अगले मैच की बात करें जो कि गाइज आपको देखने को मिलेगा इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए बिगी वर्सेज अपोलो क्रूज के बीच। अब गाइज इस मैच की बिल्ड काफ़ी बढ़िया रही है, WWE ने पिछले कुछ हफ्तों में हमें काफ़ी अच्छी बिल्ड इन दोनों सुपरस्टार के बीच दिखाई है। लेकिन गाइज अगर हम बात करें यहाँ पर रिजल्ट की, तो गाइज मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि रेसलमेनिया आने वाली है, इसलिए गाइज मुझे ऐसा लगता है कि रेसलमेनिया तक तो ऑब्वियसली बिगी को चैंपियन रहना चाहिए। अब अपोलो क्रूज के लिए काफ़ी बुरी बात है कि वो लगातार हारेंगे, लेकिन गाइज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बिगी अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। नेक्स्ट मैच की बात करें जो कि गाइज हो सकता है शो का बेस्ट मैच, और यहाँ पर गाइज मैं बात कर रहा हूँ शेमस वर्सेज ड्रू मैकइंटायर के एक नो होल्ड बार्ड मैच की। अब गाइज जैसे कि आप सब जानते हैं मंडे नाइट रॉ पर पहले भी हम दो बार इनका मैच देख चुके हैं और दोनों सुपरस्टार ने जमकर बढ़िया परफॉर्मेंस दी और मैं देखकर मजा ही आ गया था। और गाइज मुझे ऐसा लगता है कि नो होल्ड बार्ड मैच में ये और भी ज्यादा कमाल करने वाले हैं, यहाँ पर वेपन्स और भी ज्यादा यूज होते हुए नजर आएंगी और मैच कुल मिलाकर काफी जबरदस्त होने वाला है। लेकिन गाइज अगर हम रिजल्ट प्रेडिक्शन की बात करें, तो ऑब्वियसली ड्रू मैकइंटायर का WWE चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है एट रेसलमेनिया, तो मुझे लगता है वो किसी भी कीमत पर इस मैच को नहीं हारने वाले। और गाइस हो सकता है बॉबी लैशली भी इस मैच में इंटरफेरेंस करते हुए नजर आएं, लेकिन गाइस कुल मिलाकर मुझे लगता है कि मैकइंटायर इस मैच में जीत हासिल कर लेंगे। अगले मैच की बात करें जो कि गाइस आपको देखने को मिलेगा रैंडी ऑटन और एलेक्सा ब्लिस के बीच। और गाइस ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है, क्योंकि आप सब जानते हैं यहाँ पर एक मेल और फीमेल का आमना सामना होने वाला है और इन दोनों सुपरस्टार की गाइस फ्यूड हमें काफ़ी लंबे टाइम से देखने को मिल रही है। और फाइनली यहाँ पर फैंस वेट कर रहे हैं कि फीड इस मैच में हमें देखने को मिलेंगे। और गाइस फीड का यहाँ पर हमें रीडेब्यू देखने को मिलेगा एक किस्म का, क्योंकि माना जा रहा है कि उनका न्यू कैरेक्टर इस मैच में आने वाला है। लेकिन गाइस अगर हम बात करें इस मैच के रिजल्ट प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है गाइस अगर यहाँ पर फीड आ रहा है तो यहाँ पर ऑब्वियसली वो एलेक्सा ब्लिस को हेल्प करेंगे, इसलिए गाइस मेरी यहाँ पर प्रेडिक्शन रहने वाली है एलेक्सा ब्लिस के लिए। लेकिन अगर WWE इस मैच में भी फीड को नहीं लाएगी तो मुझे नहीं पता WWE के दिमाग में क्या चल रहा है। अब गाइस बात करते हैं शो के प्रोबेबली मेन इवेंट मैच की, जहां गाइस रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट डैनियल ब्रायन। और गाइस यहां पर स्पेशल गेस्ट इन्फोर्सर होने वाले हैं रेटेड आर सुपरस्टार एज, यानी कि गाइस यहां पर मजा काफी ज्यादा आने वाला है। और हमें इस मैच में पता चलेगा क्या WWE ट्रिपल थर्ड मैच दिखाएगी एट रेसलमेनिया 37 या फिर नहीं। उसके अलावा गाइस यहां पर यह भी देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा क्या डैनियल ब्रायन इस मैच को जीत पाते हैं। और गाइस एज का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। लेकिन गाइस अगर हम बात करें प्रेडिक्शन की, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अगर इस मैच में डैनियल ब्रायन जीत हासिल करने के काफी करीब भी आते हैं, तो एज ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे जिस वजह से गाइस रोमन रेंस इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। क्योंकि गाइस आप सब जानते हैं एज चाहते हैं रोमन रेंस को सिंगल्स मैच में फेस करना एट रेसलमेनिया 37, इसलिए गाइस मुझे ऐसा लगता है कि एज कुछ ऐसा कांड करेंगे जिस वजह से गाइस रोमन रेंस इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे और रोमन रेंस के लिए मेरी प्रेडिक्शन होने वाली है। तो गाइस ये थी सभी मैचेस के लिए मेरी प्रेडिक्शन, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करना तो कहीं मत जाना और कमेंट करके आप मुझे अपनी जरूर प्रेडिक्शन बताइए। और गाइस साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।